चार नॉन पंजाबी ने ये हरगिस हरगिस मैं कह रहा कि पंजाब के लोग इनू कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। ये पहला डिस्क्रिमिनेटरी कदम है आम आदमी पार्टी का। अगर वह चार गैर पंजाबी कर रहे हैं, चाहे वह कोई या पाठक है या ना पार्टी का कोई भी आदमी होवे, ये गुरुआं पीरां पैगंबरां की खून ना सिंजी हुई धरती पंजाब की आ। पौने 3 करोड़ मैंडेट दिता, 117 पंजाब के MLAs भेजा। एक एक MLA का फर्ज आ, अगर कोई गैर पंजाबी इतने नॉमीनेट करके इलेक्शन लड़ाते हैं, मेरी आम आदमी पार्टी के समूह MLAs हथ बन के बेनती आ कि प्लीज़ डू नॉट वोट फॉर दैम, वोट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियंस, वोट फॉर द स्पिरिट ऑफ पंजाब। पंजाब के लोगों को सिर पर ताज रख्या वा, किसी गैर पंजाबी ने दिल्लियों आन के किसी ने तुहाडे सिर पर ताज नहीं रख्या। सो आई एक्सपैक्ट फेयरनेस फ्रॉम ऑन द पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी, पर्टिकुलरली सरदार भगवंत सिंह मान को मेरी बहुत निम्रता ना बेनती है कि देखो ऐसे यही मेरा पिछा पिया सी उन्होंने नाल, मेरा कोई जाती लड़ाई नहीं सी कि तुसी सारे ने उदो गलत समझा और गलत पेशकश की। वह हर गल अपनी थोपना चाहते हैं, हर गल अपनी मनवाना चाहते हैं। मैं तुम्हें याद होगा कि रेफरेंडम 2020 के उत्ते मैं सिर्फ इन्ना कहा कि रेफरेंडम 2020 की नौबत ही क्यों आई, बस यदा उन्होंने इन्ना वाला गुस्सा किया। मनीष सिसोदिया ने मैंने अपने वालों मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश की। आई जस्ट रिटॉर्टेड, आई सेड आई विल नॉट टॉलरेट एनी इंटरफेरेंस बाय दिल्ली इन टू पंजाब। इस करके हूँ लिटमस टेस्ट है, इम्तिहान की घड़ी आ। 92 समेत सरदार भगवंत सिंह मान उन्होंने इम्तिहान की घड़ी आ। दे शुड पुट देयर फुट डाउन। पंजाब के बहुत अच्छे लोग ने, विद्वान बुद्धिजीवी पढ़े लिखे, और मैं एक वीडियो देख रहा भगवंत मान की कि बीबी खालड़ा लोकसभा लड़ाई इन्होंने गलत किया, इन्हों राज्यसभा भेजना चाहिए। लो मैं स्वागत करूंगा जो बीबी खालड़ा नॉमीनेट करेंगे, मैं अपनी पार्टी को मोटिवेट करूंगा कि बीबी खालड़ा वोट पाई जाए।